अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी ऑलराइट। टुडे आवर सेवंथ क्लास, सब्जेक्ट इंग्लिश एंड टॉपिक द लिटिल गर्ल। तो आज हम आगे पढ़ेंगे। शी सैट ऑन अ स्टूल, ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेच्ड एंड वास्क्ड द टाइम, देन लुक्ड एट। वो जो थी लड़की, छोटी है ना, छोटी लड़की, लिटिल गर्ल, जिसका नाम कीजिया था, वो क्या हुआ, एक स्टूल के ऊपर बैठी है ना, और बेसब्री से किसका इंतजार कर रही, अपने बाप का इंतजार करते। अंटिल ही वो का पैंट स्ट्रेच, जब वो जागा और उसने अपने हाथ फैलाए हैं, और फिर उसने क्या किया, उससे टाइम पूछा और फिर उसकी तरफ देखा। डोंट स्टेट सो कीजिया, हाँ, यानी कि इतना मत घबराओ, कीजिए। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन उल, यानी कि तुम लोग, तुम जो एक छोटे से उल्लू की तरह दिख रही हो। वन डे व्हेन शी वाज कैप्ट इंडोर विद अ कोल्ड, द ग्रैंडमदर टोल्ड हर दैट हर फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक। एक दिन, यानी कि जब उसको जुकाम था, बुखार था, उसको जुकाम है ना, ठंडी सर्दी थी, जब उसको बाप ने घर में रखा था, तो उसकी दादी ने उसको बताया कि अगले हफ्ते में उसके पापा का या उसके फादर का क्या है, बर्थडे है। एंड सजेस्टेड शी कुड मेक हिम अ पिन कॉशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। और उसने उसको ये सलाह मशवरा दी कि आप अपने पापा को या अपने डैडी को कह लो एक अच्छा सा खूबसूरत येलो कलर का सिल्क जो है, उसका एक तकिया बना के दो। लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड थ्री साइड्स, तीन साइडों में। उसने क्या किया जी, सिल्क, जब हम लोग तकिया बनाते हैं या कोई थैला बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके चारों साइड से उसको क्या करते हैं, सील देते हैं ना। तो यह इसको तकिया बनाना था, तो इसने क्या किया, उसके तीन साइड सी, यानी कि ये साइड भी सिलाई कर दिया, ये भी, और एक साइड उसने क्या रखा, उसका ऐसे ही रखा। द लिटिल गर्ल स्टिच्ड थ्री साइड्स, बट व्हाट टू फिल विद इट, लेकिन उसमें भरे क्या। अब उसने वो तो बनाया, मगर अब उसके बीच में भी कुछ भरना है उसको, है ना। दैट वाज अ क्वेश्चन, अब उसके मन में ये क्वेश्चन था कि अब इसके बीच में भरूं क्या, क्या भरूं इसके बीच में। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेड रूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, टोर देम अप, टोर देम इन टू टिनी पीसेस एंड स्टफ्ड हर केस, देन सेव्ड अप द फोर्थ साइड। वो उसके मन में ये क्वेश्चन था कि अब इसके बीच में भरे क्या, फिर क्या, उसकी दादी माँ जो थी वो कहाँ थी, बाहर बगीचे में निकली हुई थी, तो वो माँ के क्वेश्चन में, माँ के कमरे में, माँ के बेडरूम में गई, वहाँ पे उसने क्या देखा जी, छोटे छोटे कुछ कागज के टुकड़े हैं ना, वहाँ पे उसको मिले, उसने वो सब क्या किए, इकट्ठे किए, जमा किए, फिर उनको काटा, काट कूट के, तो उसने क्या किया, उनको भरा किस में, उस तकिए के क्वेश्चन में भरा, और चौथे साइड जो तकिया था वो भी उसने उसका सिलाई कर दिया। ठीक है जी, हाँ, आज के लिए इतना, बाकी अस्सलाम।